नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह द फ्यूचर प्लस ऑनलाइन क्लास जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएसटीसी की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे हम, साथ में व्याख्या भी देख रहे थे बीएसटीसी की टीचिंग एप्टीट्यूड की, क्योंकि अब हमारे पास दिन बहुत ही कम बचे, उसके अंदर कम दिनों के अंदर के सर अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि 150 नंबर के हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड है कि सर कम नंबर में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए हम उसके लिए कर रहे प्रश्नोत्तरी। तो अपने पहला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे स्कूल में नहीं ठहरते क्योंकि, कारण पूछ रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल आते हैं स्कूल से वापस भाग जाते हैं, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो हमारे सामने पहला कारण दे रहा है शिक्षकों की लापरवाही के कारण, दूसरा खेल कूद व टीवी देखने के कारण। यदि देखो अगर ये बच्चों की बात कर रहा है, इट मीन्स बात तो छोटे बच्चों की हो रही है, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, बड़े बच्चों की तो बात नहीं कर रहे। अगर छोटे बच्चों का विद्यालय में टीवी दिखा रहे हो, खेल कूद करा रहे हो, तो बच्चे विद्यालय से भागेंगे तो नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपके। तीसरा ऑप्शन कैसे घरेलू वातावरण के कारण। तो अभी देखो छोटे बच्चे, अभी तक वातावरण का प्रभाव छोटे बच्चों पर इतना नहीं पड़ा है, क्योंकि बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा है, तो आप होगा सर ये भी होगा नहीं, सेकंड भी होगा नहीं। चौथा ऑप्शन माता पिता के दोष के कारण। अगर माता पिता का दोष होता तो माता पिता बच्चे को विद्यालय नहीं भेजते, अगर माता पिता चाहते कि मेरे बच्चे को तो पढ़ना ही नहीं है तो विद्यालय नहीं भेजते, माता पिता और कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा विद्यालय से भाग जावे, तो आपको वैसे माता पिता का तो दोष भी नहीं होगा, ये भी हटाओ। तो बच्चे विद्यालय से भागते क्यों है भाई? तो बच्चे विद्यालय से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि शिक्षकों की लापरवाही के कारण, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, बहुत से टीचर क्या करते हैं, लेकिन वो अपने शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से कार्य नहीं कर पा रहे और बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे। तो जब बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे तो बच्चे शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय टाइम छुट्टी से पहले बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना, जस्ट सेकेंड ऑप्शन अपना। शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए, अब ये कह रहा है नहीं, और अच्छी तरह से ध्यान रखना जब एग्जाम देने जाओ वहां पर, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ोगे, आप नहीं को भूल जाओगे, तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, देखना नहीं करते समय, तो बात आ रही शिक्षण, और हमको अच्छी तरह से पता है कि सर शिक्षण का मतलब पढ़ाना, शिक्षण का मतलब पढ़ाना, और पढ़ाएगा कौन, शिक्षक पढ़ाएगा, कौन, शिक्षक, और शिक्षण को सर क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीचिंग, क्या कहते हैं हम, टीचिंग। तो अध्यापक को क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, पहली बात छात्र केंद्रित शिक्षण का, तो भाई छात्र केंद्रित शिक्षण ही तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने जितनी भी पॉलिसी पढ़ी है सब पॉलिसी ये कहती है कि शिक्षण जो होता है वो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक टीचिंग में रुचि लेगा और बालक कक्षा में आराम से पढ़ेगा, क्लास से भागेगा नहीं, तो शिक्षण तो होना चाहिए बाल केंद्रित, ये ऑप्शन सही है। तो सेकंड ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, बात करें सर व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आप अगर टीचर बढ़ जाओगे तो आपकी क्लास के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। क्या सर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब कि आपकी क्लास के अंदर प्रत्येक प्रकार के लड़के बैठेंगे, प्रतिभाशाली भी बैठेंगे, मंदबुद्धि भी बैठेंगे, सर्जनशील बालक भी बैठेंगे, बाल अपराधी बालक भी बैठेंगे, विशिष्ट बालक भी बैठेंगे, क्या सर विशिष्ट बालक भी बैठेंगे, तो सभी प्रकार के बालक बैठेंगे आपकी क्लास के अंदर, कैसे सभी प्रकार के बालक बैठेंगे, विशिष्ट बालक भी बैठेंगे, सभी प्रकार के बालक बैठेंगे हमारी क्लास के अंदर। तो एक टीचर को भी ध्यान रखना, आप जब अध्यापक बन जाओ तो पढ़ाते समय स्पेशल एक बच्चे को केंद्रित करके कभी शिक्षण मत करवाना, ऐसे नहीं कि आप आए क्लास के अंदर आपने क्वेश्चन पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बच्चे ने कहा नरेंद्र मोदी, अरे उस एक लड़के ने तो आंसर बता दिया, क्या पता वो प्रतिभाशाली है, आपकी क्लास में मंदबुद्धि भी तो बच्चे बैठे होंगे ना, तो आप उनको भी लेकर चलो, अगर आप सिर्फ एक प्रतिभाशाली बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर तो बच्चे मंदबुद्धि बालकों का क्या होगा। तो इसका मतलब एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सभी बालकों का ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सर ये तो सही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं बताना है। तीसरा जातिगत भेदभाव का, एक आदर्श अध्यापक को कभी भी जातिगत भेदभाव,
बालकों के सीखने की गति का, तो गति का तो ध्यान रखना चाहिए भाई, बालक किस स्पीड से सीख रहे, बालक धीरे सीख रहे, किस प्रकार से बालक सीख रहे, ये तो टीचर की ड्यूटी है ध्यान रखना। तो आप होगा सर यहां पर हो जाएगा जातिगत भेद। अगला ऑप्शन हमारा, हाँ भाई, अध्यापक के सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, टीचर के गुण पूछ रहा है भाई। और हमने पढ़ा था अध्यापक के अंदर के सर, हमने एक पढ़ा था, हमारी एक यूनिट थी व्यावसायिक, अच्छी तरह से पढ़ के चले जाना, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, व्यावसायिक अभिवर्ति क्या है। यहां पर व्यवसाय का मतलब कोई सिनेमा हॉल और कपड़ों की दुकान खोलने से नहीं है, ठीक है, यहां पर व्यवसाय की बात आ रही है शिक्षण की, शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा भी एक व्यवसाय है, शिक्षा भी एक व्यवसाय है। तो व्यवसायिक अभिवृत्ति की बात करते हैं, तो मैंने कहा भाई शिक्षा एक व्यवसाय है, आपने कहा ठीक है सर शिक्षा एक व्यवसाय है, और शिक्षा शिक्षक करवाता है, शिक्षक करवाता है, और शिक्षक शिक्षा के दौरान शिक्षण करवाता है, शिक्षण का मतलब टीचिंग पढ़ाता है। तो जो शिक्षक है ना, इस शिक्षक का अपने व्यवसाय के प्रति, और शिक्षक का व्यवसाय क्या है, पढ़ाना, तो अपने पढ़ाने अपने व्यवसाय के प्रति एटीट्यूड कैसा है, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। और साइकोलॉजी के अंदर अभिवृत्ति को एक और शब्द बोला जाता है, कभी एग्जाम आ जावे तो उसको कहते हैं मनोवृत्ति, उसको कहते हैं मनोवृत्ति। तो अभिवृत्ति को हम कहते हैं एटीट्यूड। तो प्रत्येक टीचर का एटीट्यूड अलग अलग होता है, कोई टीचर को खुद को स्वयं को विद्वान मानता है, आता है क्लास के अंदर, हाँ बच्चों बताओ कल कौन सा पार्ट हो गया था, ये हो गया था, निकालो अगला लेसन, पढ़ाया क्लास खत्म हुई रवाना, बच्चे प्रश्न पूछ रहे, बच्चों को बिठा दिया, चुप जाओ बीच में मत बोलो बाद में पूछना। तो ये कुछ प्रकार के टीचर का ऐसे एटीट्यूड होता है, जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली क्या कहती है, एक अध्यापक को छात्र के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक छात्र के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करके पढ़ाएगा तो बच्चे संकोच नहीं करेंगे पूछने में, बच्चे आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे आराम से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो बात आती है कि व्यावसायिक एटीट्यूड है तो टीचर का अपने शिक्षा के प्रति एटीट्यूड कैसा होगा, तो सब टीचर का एटीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कि अध्यापक के सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है एटीट्यूड की बात करें तो एक टीचर होता है ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति अनुशासित होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ये आदर्श टीचर के गुण होते हैं, ये हमें पता है। अब आता है सर इनमें से कौन सा है वो देखते हैं। तो ऑप्शन पहला, सहनशीलता होनी चाहिए भाई साहब अध्यापक के अंदर, सहनशीलता। सेकंड, अध्ययनशील, क्योंकि एक आदर्श अध्यापक वही होता है, विवेकानंद जी कहते हैं कि अध्यापक आदर्श वही है जो स्वयं भी अध्ययनशील रहता है, जिस प्रकार से एक दीपक लगातार जलता रहता है और रोशनी करता रहता है उसी प्रकार एक अध्यापक भी अध्ययनशील होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अध्ययन करवा सकता है। तो आप लोग से अध्यापक भी अध्ययनशील होना चाहिए कंटिन्यू, तो पहला ऑप्शन तो सही भी हमारा। सेकंड, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए अध्यापक के अंदर, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अंदर पूर्ण रूप से निपुण होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी वो अध्यापक है। नेतृत्व, अपने नेतृत्व पूरा पढ़ा था, कैसे नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब प्रभावित करना, नेतृत्व का मतलब प्रभावित करना। तो भाई साहब अध्यापक जो होगा, अगर अध्यापक शिक्षण करवा रहा है तो अध्यापक के शिक्षण करवाने से छात्र कैसे प्रभावित कौन होंगे, तो छात्र प्रभावित कौन होंगे, छात्र। तो अध्यापक अच्छा शिक्षण करवाएगा तो छात्र प्रभावित होंगे, और नेतृत्व और अध्यापक छात्रों के लिए बनेगा नेता, क्या बन जाएगा, नेता, ठीक है। तो वो सभी नेता कहलाते हैं जिसके अनुयायी फॉलोवर्स होते हैं, तो छात्र टीचर के फॉलोवर्स है क्योंकि वो टीचर की बातों से प्रभावित है। तो यहां पर आप कहोगे सर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन दूसरा भी सही हमारा। बात करें तीसरे की, अनुशासन होना चाहिए भाई साहब, अनुशासन प्रभावशाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब, पर्सनैलिटी के मतलब की अगर हम बात करें थोड़ी सी यहां पर, कैसे पर्सनैलिटी की बात करते हैं व्यक्तित्व की, कैसे व्यक्तित्व, कैसे क्या होती है पर्सनैलिटी, क्या बात होती है, देखो होता क्या था। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो पर्सनैलिटी की एक तो होता था प्राचीन समय, प्राचीन समय का मतलब पुराना समय, पुराने समय के अंदर क्या होते थे, पर्सनैलिटी को सिर्फ देखा जाता था बाहरी रूप से, पुराने समय के अंदर पर्सनैलिटी को देखा जाता था सिर्फ बाहरी रूप से। और बाहरी रूप का मतलब लड़के की लंबाई, लड़के का रंग, लड़के का रूप, लड़के का आकार, बस ये पर्सनैलिटी। कोई लंबा 6 फुट का लंबा लड़का जा रहा है, गोरा चिट्टा लड़का है, और देखकर सामने वाले ने कह दिया वाओ क्या पर्सनैलिटी है। तो ये तो होता था प्राचीन समय में पर्सनैलिटी, लेकिन बात आती है वर्तमान समय की। तो मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में भाई साहब परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में सिर्फ लंबा गोरा वगैरह होने से कुछ भी नहीं होता है,
क्योंकि वर्तमान समय में पर्सनालिटी की परिभाषा चेंज हो गई है, और वर्तमान समय में पर्सनालिटी देखने के लिए दो चीजों को देखा जाता है। एक तो देखा जाता है सर, एक तो क्या देखा जाता है, तो एक तो देखा जाता है बाहरी रूप को, एक तो देखा जाता है बाहरी रूप को, और सेकेंड दूसरी बात करूं तो उसके आंतरिक गुण को, अर्थात उसके चरित्र को भी देखा जाता है, उसके कैरेक्टर को भी देखा जाता है। तो वर्तमान समय में पर्सनालिटी के लिए दो बातें, और हम प्राचीन समय की बात करें तो पर्सनालिटी के अंदर सिर्फ ओनली फॉर एक बात देखी जाती थी, ठीक है। तो पर्सनालिटी के अंदर तो एक टीचर होता है, तो टीचर से ऐसा नहीं लंबा गोरा चिट्टा स्मार्ट टीचर है, कैसे दिखने में अच्छा ऐसे टीचर, क्या पर्सनैलिटी है टीचर की, नहीं, अरे ये तो से बाहरी रूप है, ये तो पुरानी भाषा है, पुरानी परिभाषा है, अब नहीं है परिभाषा, अब टीचर का आंतरिक गुण कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। टीचर अनुशासित होना चाहिए, टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, टीचर के आंतरिक गुण कैसे है वो भी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। तो ये पूरी आपके हो गई पर्सनैलिटी। अब आता है सर क्वेश्चन क्या था हमारे, हाँ भाई क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपके क्या सर, क्वेश्चन की बात, हाँ कैसा व्यक्तित्व, मैंने कहा पर्सनैलिटी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए पर्सनैलिटी, गुण वगैरह अच्छे होने चाहिए, तो आपको सर उपयुक्त सभी, क्लियर। जस्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके, बालक शिक्षक का आधारभूत तथ्य माना गया है, किसको माना गया है, ये कह रहा बालक जो होता ना, बालक शिक्षक का आधारभूत तथ्य माना गया है। प्रत्येक बालक का भिन्न व्यक्तित्व पहली बात, दूसरा बालक के विकास की भिन्न गति, तीसरा प्रत्येक बालक की भिन्न रुचि, और चौथा उपयुक्त सभी। पहली बात यहां पर बालक शिक्षक का आधारभूत तथ्य है, तो यहां पर बालक शिक्षक नहीं होगा, यहां पर होगा बालक शिक्षण का, बालक शिक्षण का, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ठीक है ना, शिक्षण का। पर्सन पूछना ये चाह रहा है, ठीक है, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है और कुछ भी मत करना है। यहां पर पर्सन ये पूछना चाह रहा है, अगर कोई बच्चा है वो बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है, ठीक है, टीचिंग करना चाह रहा है, शिक्षण करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है अपने, तो पढ़ना चाह रहा है, तो उसका आधारभूत तथ्य किसको माना गया है। तो पहली बात, तो भाई साहब अगर बालक कोई पढ़ने आपके विद्यालय में आ रहा है तो मुझे बताओ सभी बालक एक जैसे होंगे एक अलग अलग होंगे, आप होंगे सर अलग अलग होंगे, कोई प्रतिभाशाली होगा, अभी हमने देखा अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं बालक, तो आप होंगे सर भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी के बालक होते हैं, मैंने कहा होते हैं, तो आप होंगे सर ये भी सही है। सेकंड, बालक के विकास की भिन्न गति, मैंने अभी बताया था सभी बालक एक जैसे नहीं सीख सकते, इसलिए आप अध्यापक बन जाओ तो सिर्फ एक बालक को देखकर कक्षा में कभी भी नहीं पढ़ाओगे, सभी बालक को साथ लेकर चलोगे, ठीक है ना, मंदबुद्धि भी होंगे प्रतिभाशाली भी होंगे, कोई बालक जल्दी सीख सकता है, कोई बालक आराम से लेट सीखता है, तो आपको सबको साथ लेकर चलना है, तो आपको सर ऐसे बालक भी होंगे। तीसरा, प्रत्येक बालक की भिन्न रुचि, देखो प्रत्येक बालक का अलग इंटरेस्ट होता है, आपके विद्यालय में भी देखा होगा आपने, आपने खुद ने भी देखा होगा कि सर मुझे तो हिंदी सब्जेक्ट अच्छा लगता है सर वो पढ़ा दो, कोई कहता है सर मुझे तो हिस्ट्री अच्छी लगती है वो पढ़ा दो, कोई कहता है मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगती है वो पढ़ा दो, कोई कहता है मुझे मैथ अच्छी लगती है वो पढ़ा दो, तो अलग अलग बालक की अलग अलग रुचि, ये भी सही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं उपयुक्त सभी, क्या सर उपयुक्त सभी। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, बात आ रही शिक्षण की, ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, शिक्षण शिक्षक सब अलग अलग चीजें, शिक्षण बस शिक्षण शब्द आते ही सीधा दिमाग लगाओ, गुरुजी ने बताया था टीचिंग, टीचिंग का मतलब पढ़ाना, पढ़ाना कौन, पढ़ाएगा कौन, शिक्षक, तो आप हो गए सर शिक्षण, बोले तो पढ़ाएगा कौन, शिक्षक। अब बात आती है भाई अच्छा शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, पहली बात, पहला ऑप्शन क्या दिया भाई, अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में, क्योंकि आपको पता है पढ़ेगा तो शिक्षक, ठीक है, अब क्या विशेषता है, देखो अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में उत्सुकता जागृत करता है, सही है भाई, अच्छा शिक्षक अगर होगा तो बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत करेगा पढ़ने के प्रति, बच्चों को मोटिवेट करेगा, ठीक है, कि भाई बच्चों ये बात है, तुम्हारे ये एग्जाम है वो एग्जाम है, इस प्रकार से पढ़ो, आगे बेरोजगारी है, 20-20 लाख जने फार्म देंगे, ठीक है, अगले साल और 2 लाख और जनसंख्या और बढ़ जाएगी संख्या, ठीक ना, तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस प्रकार से बच्चों का मोटिवेट करो, बच्चे उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए जागरूक होंगे, तो ये तो विशेषता होनी चाहिए टीचर के अंदर, आप कहोगे सर। सेकंड पॉइंट, उत्तम शिक्षण शिक्षक कला तथा विज्ञान दोनों को केंद्रित करता है, वेरी गुड, एक शिक्षक जो होता है कला व विज्ञान, क्योंकि आपको पता है कि सर शिक्षण करवाना ना शिक्षण पढ़ाना हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक क्या है, कला है, आप हर किसी को जाते हुए रस्ते को मार कर दे दो और कह दो लाके सामने आके पढ़ो और सामने 50 लड़कों को बिठा दो, पढ़ा सकता है क्या, नहीं पढ़ा सकता, तो आपको सर ये कला है, ये भी सही है भाई। अगला ऑप्शन, अच्छा शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, वेरी गुड, पथ प्रदर्शक का, अच्छा शिक्षक जो होगा ना वो बच्चे को सही सलाह देगा, सही राय बताएगा, जैसे कोई बाहरी पास बच्चा है टीचर के पास आ गया ऑफिस के अंदर,
टीचर से पूछा, सर सर मैंने 12th तो कर दी, सर मैं आगे क्या करूं? तो टीचर उसको सही राय बताएगा कि अभी देख बेटा तूने 12th कर दी, तू करना क्या चाहता है, तेरी रुचि क्या है? क्योंकि बालक की जिसमें रुचि होगी आप बालक को उसी में डाल लो। अगर कोई बालक कह रहा मुझे तो डॉक्टर बनना है और आप जबरदस्ती कह रहे नहीं नहीं तू तो BST से टीचर बन जा, ये गलत बात है। बालक की रुचि किसमें है, तो आपके पास बालक आएगा, पूछो बेटा तेरी रुचि किसमें? उसने कहा सर मुझे तो शिक्षक बनना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तूने 12th कर ली? हाँ कर ली। तो एक काम कर बेटा, अभी एक बार तू BSTC का एग्जाम देते, पहले एक बार BSTC एग्जाम है, एक बार नौकरी अटक जाए इसमें, तेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, फिर आगे और फिर तेरी इच्छा जो भी हो, RS बनना हो, तुझे लेक्चरर बनना हो, फिर तो आराम से बन सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप बालक का पथ प्रदर्शक करोगे, बच्चे को आप बताओगे कि आगे क्या करना है, तो आप कहोगे सर ये भी सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। क्लियर? जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण को प्रभावित करने वाले, अब शिक्षक नहीं है अब शिक्षण है, बार बार कह रहा हूं परीक्षा में गलती मत करना, एक तो नई वाला, एक शिक्षक एक शिक्षण, तुम जल्दबाजी के अंदर ऐसे नहीं शिक्षक समझ के टिक लगा जाओ, नहीं। अब बात आ रही शिक्षण की, वापस वही पढ़ाना, शिक्षण का मतलब पढ़ाना, टीचिंग, और पढ़ाएगा कौन? बार बार मैं बता रहा हूं तुम्हें, गलती मत करना एग्जाम में अब, ठीक है? दिन बचे कम, इसलिए उतावलापन बिल्कुल ही मत करना, आराम से तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि पढ़ तुमने सब रखा है, अब बस उसको अच्छी तरह से बस मेमोरी के अंदर रिवाइज करना है, बस व्यवस्थित तरीके से बस। हाँ, शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण होते हैं, पहले सर व्यक्तिगत विभिन्नताएं और स्वयं अध्याय की आदत। तो देखो भी शिक्षण को, अब मुझे ये बताओ आप विद्यालय में पढ़ते हो तो आपके विद्यालय के अंदर सभी टीचर एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? आप कहोगे सर अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले होते हैं। मैंने कहा होते भाई, तो ये तो सही है, सभी टीचर एक जैसे होते नहीं, तो ये भी प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सभी टीचर की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती है। सेकंड, विद्यार्थियों का मनोशारीरिक स्तर एवं कक्षागत वातावरण, वेरी गुड। कक्षा का वातावरण भी पढ़ाई को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? आप कहोगे सर करेगा, अगर कक्षा अनुशासित है, कक्षा व्यवस्थित है, कक्षा के पास में शोरगुल नहीं है, कक्षा मेन मार्केट में नहीं है, आसपास कोई भी साउंड वगैरह नहीं बज रहे, वातावरण अच्छा है कक्षा का, शांत वातावरण है, तो यह भी शिक्षण को प्रभावित करेगा। आप कहोगे सर ये भी सही है। तीसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा स्तर एवं अध्यापक की योग्यता, वेरी गुड बात। अध्यापक की योग्यता तो होनी चाहिए तभी तो अध्यापक बनेगा, तो ये तो सही है। अगली बात, पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा स्तर, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, क्योंकि आपकी पॉलिसी जितनी भी शिक्षा पॉलिसी वो भी यही कहती है कि पाठ्यक्रम का हमेशा स्तर होना चाहिए छात्रों के अनुसार, हमेशा होना चाहिए छात्रों के अनुसार। तो अगर पाठ्यक्रम का स्तर छात्रों के अनुसार है तो आप कहोगे सर शिक्षण को प्रभावित करेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आराम से पढ़ा सकते हो आप। आठवीं कक्षा के बच्चे को हमें पढ़ाना है और हमने उसको सिलेबस दसवीं क्लास के बच्चे को दे दिया, तो बताओ वो स्तर है क्या उस बच्चे का? आप कहोगे सर ये तो स्तर ही नहीं उस बच्चे का, ठीक ना? तो पाठ्यक्रम छात्रों के स्तर का होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी यही कहती है शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक जो भी टीचिंग होगी वो बाल केंद्रित होती है। तो आप कहोगे सर यहां पर यह भी सही है, तो उत्तर लगाओगे उपयुक्त सभी। जस्ट अगला, हाँ भाई अगला क्वेश्चन, अध्यापक का विशेष गुण है, विशेष गुण क्या है अध्यापक का? टीचर के गुण पूछ रहे भाई साहब हमें, ठीक है चलते हैं। देखो, विषय के उचित शिक्षक की जानकारी, कोई टीचर है उसको अपने विषय का बताओ नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सर होना चाहिए, वेरी गुड, पहला सही है। सेकंड, सामाजिक जागरूकता एवं सक्रियता, एक टीचर एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। आप कहोगे सर ये भी सही है। दूसरा, सामाजिक जागरूकता, एक टीचर अवेयरनेस होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए टीचर के अंदर, टीचर के अंदर सजगता होनी चाहिए, जो भी सामाजिक घटनाएं घटती है टीचर उन सामाजिक घटनाएं जो भी होगी वो टीचर बच्चों को बताएगा, तो एक टीचर सजग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए। आप कहो सर ऑप्शन दो भी सही है यहां पर। तो तीसरा, अध्यापक में आवश्यक संगोष्ठी, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि के आयोजन में कुशलता प्राप्त, वेरी गुड। आपके जो भी अध्यापक के अंदर जो भी आपके संगोष्ठी वगैरह प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम के अंदर अध्यापक कुशल होना चाहिए, ठीक है ना? कि कोई भी प्रोग्राम है, अध्यापक को आगे आपने स्टेज पे भेज दिया, अध्यापक आगे बोल रहा है, ठीक है, बच्चे सुन रहे, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं बच्चे सुनते हैं उसके अंदर, तो अगर अध्यापक उसके अंदर, आप कहोगे सर अध्यापक एकदम उसमें ट्रेंड है अध्यापक, तो ये तो गुण होना चाहिए, और हम गुण की तो बात कर रहे हैं तो ये गुण तो होना चाहिए इसके अंदर, तो आपको सर ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज आपके उपयुक्त सभी ज्यादा आ रहे भाई। हाँ भाई, एक अध्यापक का सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है, एक अध्यापक की
सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। पर्सन को आराम से देखना, उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। पहली बात तो ध्यान से सुनना, इसने कहा अध्यापक, टीचर बन गया भाई, ये कह रहा प्रशिक्षण, इसका मतलब ट्रेनिंग, तो ये तो डिलीट करो, ट्रेनिंग तो कर ली भाई साहब ने, हटाओ इसको और डिलीट करो, बताता हूं आगे। अब एक तंत्रीय दृष्टिकोण, मैंने आपको पहले ही कह दिया था शिक्षण तीन प्रकार का होता है, उसमें आपने एक पढ़ा था सर, एक होता है एक तंत्रात्मक, एक होता है एक तंत्रात्मक सर, एक होता है एक तंत्रात्मक। एक तंत्रात्मक शिक्षक के अंदर क्या होता है कि शिक्षक का पद तो होता है उच्च, शिक्षक का पद होता है उच्च, बच्चों को इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, छात्रों को इसके अंदर तर्क वितर्क करने की अनुमति नहीं होती, कैसे छात्र इसमें तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते, ये भी हटाओ भाई, ऐसा ऐसी टीचिंग चाहिए भी नहीं, ये शिक्षण उचित नहीं है, ये तो अध्यापक के अंदर थे, उचित ही नहीं है तो आपके। अगला उन्नत दृष्टिकोण, ठीक है दृष्टिकोण तो होना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम, वेरी गुड, अगर उसको अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बार बार बता चुका हूं कि शिक्षा व्यवसाय है टीचर के लिए, गलती मत करना, ये मैं हजार बार कह चुका हूं, तुम्हारी यूनिट है व्यवसायिक अभिवर्ती, ठीक है, तो टीचर का व्यवसाय शिक्षा, उसके प्रति उसका एटीट्यूड, ये तुम्हारी यूनिट है, तो टीचर का अपने व्यवसाय के प्रति, शिक्षा के प्रति टीचर का लगाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए और उसको उससे प्रेम होना चाहिए, ठीक है, तब आपको कहोगे सर वो टीचर जो है उसका अनिवार्य वो सबसे बढ़िया उसकी वो योग्यता बनी जाएगी। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ भाई, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है, भाई तुलनात्मक कह रहा है, देखो भाई एक तो होता है मानचित्र, मानचित्र से तुलना नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप मानचित्र से बात करते हो ना, तो मानचित्र से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की लोकेशन देख सकते हैं, कि सर मानचित्र से हम किसी भी चीज की लोकेशन तुलना नहीं कर सकते, भारत कहां पर है मानचित्र लगा दो अभी यहां पर, ठीक है, कोई भी मानचित्र वगैरह यहां पर लगा दो, ठीक है सर मानचित्र लेकर जो भारत का है, पाकिस्तान की स्थिति का है, इसकी स्थिति का है, लोकेशन देख सकते हैं, मैं लोकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको तो प्रश्न में तुलना पूछा है आपको। सेकंड रेखा चित्र, आपको सर तो गणित के रेखा चित्र, गणित का रेखा चित्र, तो अगला तालिका और चौथा ग्राफ, आपको सर एक तो तालिका है एक है चौथा ग्राफ, ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन, तो उत्तर लगा कहना है तालिका, क्योंकि तुलनात्मक, हम कभी भी तुलना करते तो कैसे करते हैं सुनना, जैसे मैंने कहा सपोज करो मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, अब मैंने लिख दिया मैं दो प्रकार की विधि पढ़ाना चाहता हूं, मैंने कहा बच्चों दो प्रकार की विधि होती है, एक होती है आगमन विधि, आप देखा सर एक होती है निगमन विधि, तो आपने मेरे से पूछा सर दोनों में डिफरेंस किया है, डिफरेंस का मतलब दोनों की तुलना करके बताओ सर हमें, इनमें तुलना करके बताओ इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, तो मैं तुलना करूंगा ऐसे तालिका बना के, तो आपको सर आप उत्तर बताओगे तालिका बनाकर, तो बाण चित्र गलत, रेखा चित्र गलत, ग्राफ गलत, उत्तर क्या हो जाएगा तालिकाएं बनाकर, ठीक है, इस प्रकार से हम तुलना करेंगे। जैसे आगमन विधि के सर उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, बात करें सर निगमन विधि तो आप हो गए सर नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है, तो आप हो सर तालिका बनाकर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है, भाई प्रभावी संप्रेषण कह रहा है, संप्रेषण मैंने पहले ही बता दिया आपको संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। अब मुझे आप अच्छी तरह से यह बताओ और अपने दिमाग में लगाओ कि कोई एक व्यक्ति है उसके मन में विचार है, उसके मन में एक विचार है, ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया राम नाम का एक लड़का है, अपन एग्जाम्पल समझते हैं सर, राम नाम का एक लड़का है, ये अकेला लड़का है, इसके मन में कुछ विचार है, अब ये विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है, लेकिन इसके सामने कोई और व्यक्ति नहीं है, ये अकेला है, इसके सामने और कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या संप्रेषण हो सकता है क्या, आपको सर पॉसिबल ही नहीं, जब सामने कोई व्यक्ति नहीं तो संप्रेषण किससे करेगा, अपने विचारों का किससे आदान प्रदान करेगा, अपने विचार सामने वाले को प्रकट करेगा, फिर सामने वाले वापस अपने विचार प्रकट करेगा, उसको कहते हैं संप्रेषण, पर ये तो व्यक्ति अकेला है, संप्रेषण करे कैसे, तो आप हो गए सर संप्रेषण जो होता है पहला दे रखा है द्विमार्गीय प्रक्रिया, द्विमार्गीय का मतलब कि सामने और कौन की होना चाहिए, भाई साहब राम और मैंने कह दिया एक है श्याम, तो राम ने अपने विचार प्रकट किए श्याम को, श्याम ने वापिस अपने विचार प्रकट किए राम को,
वापिस विचार प्रकट किए राम को, तो द्वि मार्गीय एक ये रास्ता एक ये रास्ता, तो आप कहोगे सर संप्रेषण होता है द्विमार्गीय प्रक्रिया, ठीक है, एक मार्गीय नहीं होती, गलती मत करना। अकेला व्यक्ति संप्रेषण कैसे कर लेगा यार, है किससे बात करेगा अकेला व्यक्ति संप्रेषण, खुद से ही बात करेगा तो ये तो होते ही नहीं संप्रेषण। संप्रेषण वो होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान, आप अपने विचार प्रकट करो, सामने वाले वापिस अपने विचार प्रकट करेगा, इसको कहते हैं संप्रेषण। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपके द्विमार्गीय प्रक्रिया है। जस्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है। वेरी गुड, प्राथमिक स्तर, भाई थोड़ा सा लेवल ध्यान रखना, गलती मत करना, वापिस संप्रेषण का प्रश्न है। प्राथमिक स्तर बोले तो बात करें कक्षा पहली से लेकर कक्षा पांचवी, हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सर छोटे बच्चों की बात कर रही है, कि सर छोटे बच्चों की बात हो रही है यहां पर, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण, अब आप याद करो, आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, आप कभी आप भी छोटी क्लासों जब पढ़ते थे एलकेजी यूकेजी पढ़ते थे या फिर आपके भाई बहन वगैरह पढ़ते हैं, तो आप विद्यालय के अंदर जब जाते हो तो आप देखते हो मैडम वगैरह जो होती है ना, मैडम लिखित में देती है उनको या बोलकर कोई चीज बताएगी, तो आपको छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी फर्स्ट कक्षा प्राथमिक कक्षा के बच्चे छोटे बच्चे, तो मैडम उनको बोलकर बता दी, जैसे जब सुनना, जब सपोज करो कि ए फॉर एप्पल है, तो आज के टाइम में तो विद्यालय इतने प्रकार से अच्छी तरफ से एनसीएफ वगैरह आने पॉलिसी आने के बाद में विद्यालय के अंदर कक्षाओं को छोटे बच्चों की कक्षाओं को इतना व्यवस्थित कर रखा है कि जैसे पूरी एबीसीडी है, तो एबीसीडी पूरी कक्षा के अंदर व्यवस्थित कर रखा है, स्वर व्यंजन को पूरा व्यवस्थित कर रखा है, और साथ में चित्र भी साथ में चित्र भी उनके साथ में लगे हुए पूरे पूरे। तो अब भाई साहब टीचर जो ना, वो टीचर ऐसे बताता है बच्चों ए पर एप्पल और नीचे एप्पल का चित्र बना हुआ, इसका मतलब टीचर बोल रहा है, इसका मतलब टीचर बोल रहा है और साथ में टीचर का हावभाव भी होंगे, ए पर एप्पल, बी पर बॉय, सी पर कैट, डी पर डॉग, तो मैं बोल भी रहा हूं और साथ में मेरे देखो हावभाव भी चल रहे, तो आपको सर ये संप्रेषण होता है छोटे बच्चों के लिए, किसके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो यहां पर देखो उत्तर कौन सा है, हाँ भाई पहला कह रहा है सिर्फ लिखित, छोटे बच्चों को सिर्फ लिखित से क्या मतलब है, अपन छोटे बच्चों को सब लिखित में सिखाते क्या, नहीं सिखाते, अपन भी छोटे क्लास में पढ़ते थे जब याद होगा टीचर कहते थे क से कबूतर, क से खरगोश, और पहाड़े बुलाते थे दो एकम दो, दो दुनी चार, फिर पीछे अपन बोलते थे वापस दो एकम दो, ठीक है, तो आपको सब लिखित तो है नहीं। अगला हाव भाव सहित मौखिक, उत्तर होगा बी सही, क्योंकि मैंने अभी बताया टीचर खुद हाव भाव प्रकट करेगा, ठीक है, कि बच्चों ए पर एप्पल, इसका मतलब मौखिक बोल रहा है और साथ में टीचर हावभाव भी प्रकट कर रहा है हाथों से, बी पर बॉय, सी पर केट, तो आपको सर हावभाव के साथ मौखिक, उत्तर हो जाएगा बी सही है। जस्ट अगला क्वेश्चन, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न भाई, क्या करना चाहिए जी। देखो आपको मैंने बार बार कह चुका हूं कि आसुबेल नाम का आपके मनोवैज्ञानिक था, और मैंने कहा था आपके आसू बेल जी कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगे परीक्षा के अंदर, आप एक बात ध्यान रखना, आसू बेल जी हमेशा कहते हैं कि रटने का करते विरोध, आसू बेल जी करते रटने का विरोध, क्योंकि आसू बेल जी की थ्योरी थी मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। आसू बेल जी ये कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज के समय में भी विद्यालय के अंदर टीचर बच्चों को रटने पर जोर देते हैं, तो आपको सर रटने पर कभी जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, इसका मतलब आपको सर ऑप्शन ये तो हो गया डिलीट। अगला, पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, ठीक है भाई, पाठ की पुनरावृत्ति करना ये भी थोड़ा सा ठीक है, पर बार बार के पुनरावृत्ति करोगे क्या, सिर्फ निरंतर मौखिक अध्यापन कराना, सिर्फ मौखिक अध्यापन नहीं कराओगे क्या, इसका मतलब आप बच्चे को लिखित सिखाने नहीं चाहते हो, आप यही चाहते हो बच्चा जिंदगी में कभी लिखना ही नहीं सीखे, है तो आपको सर ये तो होगा नहीं, हटाओ इसको भी, पुनरावृत्ति बार बार क्यों पुनरावृत्ति करनी, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और यही आपके एनसीएफ कहती है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था एनसीएफ को यही कहती है कि बालक का जो भी पाठ्यक्रम है, बालक का जो भी पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को व्यवहारिक जीवन से जोड़ो, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक जीवन से जोड़ो, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, आप कहोगे सर उत्तर हो जाएगा सी से, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। जस्ट अगला क्वेश्चन भाई हमारा,
प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? छोटे बच्चों की बात कर रहा है भाई। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? छोटे बच्चे समाचार तो देखना पसंद करते नहीं, धार्मिक देखना पसंद करते नहीं है। अब बात आ रही सर कौन से पसंद करेंगे प्राथमिक कक्षा के अंदर। तो देखो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं ना, तो आपको कहोगे सर पहली से पांचवी आते तो पांचवी के बच्चे भी तो ना, तो आजकल आपको पता है टेलीविजन के ऊपर भी, आजकल क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग चल रही है आपको पता है, तो टेलीविजन के ऊपर भी आप देखते हो सर पूरा पूरा पढ़ाया जाता है और कविता के रूप में एबीसीडी याद करवाई जाती है, कविता के रूप में स्वर व्यंजन, कविता के रूप में पहाड़े याद करवाए जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको मनोरंजन का नहीं है, ठीक है आपको सर मनोरंजन नहीं, उनको शिक्षा संबंधी जो चीजें वो देखना पसंद करो आप, क्योंकि वो शिक्षा संबंधी चीजें वहां पर देखेंगे, क्योंकि वो कहानी और कविता के रूप में चलती है वो भी, ठीक ना, जैसे मछली जल की रानी है वगैरह इस प्रकार के चलती है, ठीक है। तो ये सब आप देखते हो टेलीविजन के ऊपर, तो आप उसका शिक्षा संबंधी बच्चा वो देखेगा वहां पर, ठीक ना। जस्ट अगला, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा प्रश्न दिया। कक्षा के अध्यापन, अध्यापन का मतलब कक्षा में पढ़ाना, टीचर के द्वारा पढ़ाना। फिर क्या कह रहा है? अधिगम, अधिगम का मतलब बच्चों के द्वारा सीखना, बच्चों के द्वारा सीखना, बच्चों के द्वारा सीखना। कौन सीखेंगे? छात्र। तो मैं कक्षा की बात करूं तो कक्षा में पढ़ाना, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप सब सामने बैठे, आप सब अधिगम कर रहे हो, तो पढ़ाना और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा? पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, ऑप्शन नंबर दो भी देख लो, अध्यापक के पढ़ने की विधियों का, ये पढ़ने नहीं यहां पर पढ़ाना है, ठीक है, अध्यापक के पढ़ाने की विधियों का। तीसरा अध्यापक के व्यवहार का या साथियों के सहयोग का, सहयोग से क्या लेना, पढ़ा तो टीचर रहा है, टीचर के साथी तो नहीं पढ़ा रहे ना, तो साथी वाले तो हटाओ। तीसरा ऑप्शन अध्यापक के व्यवहार का, बात आप टीचिंग की आ रही है भाई साहब, पढ़ाना। अब किसी अध्यापक का व्यवहार तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के प्रति इतना लगावे, हद से ज्यादा लगावे, आता कुछ नहीं है भाई साहब को, लगाव घने पर आता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या अच्छा अधिगम करा सकता है वो, अध्यापन करवा सकता है, और बच्चा अधिगम कर सकता है क्या? आपको सर सिर्फ व्यवहार से क्या होगा, विषय का ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, और किस शिक्षण विधियों के द्वारा सरल तरीके से बच्चों को कोई भी टॉपिक है वो कैसे प्रस्तुत करके पढ़ावे, ये अध्यापक को आना चाहिए। तो यहां पर ये ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन देखो बी। दूसरा ऑप्शन अध्यापक के पढ़ाने की विधियों का, वेरी गुड, अध्यापक पढ़ाते समय किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, कि अध्यापक जो है, कैसे टीचर जो है, टीचर पढ़ाते समय, अध्यापक पढ़ाते समय किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये होगा भाई साहब, क्योंकि हमारा यही था अध्यापन, टीचर पढ़ाएगा तो टीचर अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा तो बच्चा अधिगम सीखेगा, आसानी से बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी सही हमारा। जस्ट अगला क्वेश्चन, यदि आप कक्षा में एक बच्चा, आप कक्षा में बच्चा, यहां पर ऐसे है, यदि आपकी कक्षा में बच्चा ना, यदि आपकी, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा है, भाई साहब ध्यान नहीं दे रहा है, आप पढ़ा रहे हो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, क्या करे साहब, मारे क्या बच्चे को, है भगा दे, टीसी दे दे, प्रिंसिपल के पास भेज दे, माता पिता को बुलावे क्या? ये काम नहीं करने, वो गए जमाने, ये प्राचीन पद्धतियां थी, अब आधुनिक पद्धति है, ठीक है, उन तरीके से चलोगे आप, ठीक है। तो उत्तर ढूंढो, कैसे ढूंढते देखो। हाँ भाई, पहला उनकी उपेक्षा करें, अरे बच्चे की उपेक्षा क्यों करोगे आप, बच्चे की उपेक्षा करोगे है? बच्चे की बुरी करोगे आप, बुरी करोगे तो बच्चा और ध्यान नहीं देगा, आप डिमोटिवेट कर रहे हो बच्चे को, है कि तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तू हर बार क्लास में आता है, तू ऐसे कैसे बैठ रहता है, नींद लेता है, ये करता है, वो करता है, है? आप तो बच्चे की बुरी कर रहे हो बच्चों के सामने, तो बच्चा तो डिमोटिवेट हो रहा है। तो आपको सर ये तो हम काम नहीं करेंगे। सेकंड, सजा देना, ये तो बिल्कुल ही पाबंद है भाई, सजा देना, कारण पता करे या प्रा अध्यापक को सूचित करे। अब बात आ रही सर क्या करे, प्रा अध्यापक, आपके जो भी अध्यापक उसको सूचित करे या फिर कारण पता करे, तो उत्तर लगाओगे कारण पता करना। मैंने आपको 100 बार कह रखा है, ऐसा कोई भी पर्सन आ जावे आपके परीक्षा,
क्या सर एक बच्चा विद्यालय से भाग जा रहा है? क्या सर विद्यालय से भाग जाता है एक बच्चा? विद्यालय से भाग जाता है दूसरा पर्सन, और मैं तरीके बता रहा हूं जितने भी पर्सन आएंगे आपके, एक बच्चा है छात्र है कक्षा में लेट आ रहा है, कक्षा में लेट आ रहा है तीसरा पर्सन, और एक छात्र है टीचर पढ़ा रहा है छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है चौथा पर्सन, एक छात्र है टीचर पढ़ा रहा है छात्र कक्षा में शरारत कर रहा है, कि सर क्या करे, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आपको। कारण इसलिए पूछेंगे आपको क्योंकि भाई साहब आप शिक्षक बन रहे हो और ये सब चीजें आपके साथ घटित होगी, ठीक है, ये सब घटित होगी आपके साथ में, ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, आपके देख रहे सब अनुशासित बच्चे मिलेंगे आपको, तो सब प्रकार के बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको कि सर क्या करें हम, तो कभी भी ध्यान रखना ऐसी कंडीशन कोई भी परीक्षा में प्रश्न आ जावे तो आपको कुछ मत करना, मैं दो चीज बता रहा हूं उसको दिमाग में सेट कर लो, कि अध्यापक क्या करेगा किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना तो प्रिंसिपल को कहना है, ना बच्चे की बुरी करनी है, ना बच्चे को सजा देनी है, ना बच्चे को कठोर दंड देना है, ना बच्चे के अभिभावकों को कहना है, ना बच्चे को विद्यालय से बाहर निकालना है। तो आपको सर क्या करें हम, तो आप क्या करोगे सुनो, आपका काम ये होगा अध्यापक करेगा निदान, इनमें से कैसा भी प्रश्न आ जाओ तो ध्यान रखना निदान। निदान का मतलब होता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये जो भी मैंने पॉइंट लिखे हो क्यों रहे, जो भी पॉइंट लिखे ये हो क्यों रहे, इसके कारणों का पता लगाना, इसके कारणों का पता लगाना, इसके कारणों का पता लगाना, कैसे इसको कहते हैं निदान, इसके कारणों का पता लगाना, ठीक है। और निदान के बाद में कारण का पता लग गया, अब टीचर आराम से बच्चे को समझाएगा और उसका करेगा उपचार, और उपचार मारपीट से नहीं होता है, उपचार होगा शिक्षा के द्वारा। तो आपको सर उत्तर हो जाएगा कारण पता करें, वेरी गुड, क्योंकि निदान करेंगे हम, ठीक है। तो अब ऐसा कभी भी प्रश्न आ जावे एग्जाम में गलत करके मत आना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि आपके कक्षा में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, वापिस वही प्रश्न, एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे, उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। अब इसको थोड़ा घुमा के पूछ रहा, भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, दंड देंगे नहीं देंगे, उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे, अरे वो तो ध्यान ऐसे ही नहीं दे रहा, आप क्या कहोगे उसको। उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे के, तो बात है सर उत्तर क्या लगाएंगे हम, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जब हम उस बच्चे से उसका ध्यान अट्रैक्टिव करने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे ना, तो उस बच्चे के मन में ये आएगा कि टीचर ने अब की बार मेरे से प्रश्न पूछा है, तो एक काम करता हूं अब टीचर पढ़ा रहा है दो मिनट में भी ध्यान से पढ़ लेता हूं, क्या पता वापिस मेरे से पूछ ले तो क्लास में मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बहुत बार होता है ना अपन क्लास के अंदर बैठे रहते हैं, टीचर पूछता है भाई, हाँ भाई बता कौन सी ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन का स्त्रावित होता है, बच्चा कहता है क्या सर, सर मैंने तो सुना ही नहीं सर, वापस बताना। टीचर कहता है ठीक है ध्यान रखना, इसका उत्तर ये अगली बार ध्यान रखना। अब बच्चा टीचर जब पढ़ाएगा ना तो बच्चा पूरे ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है टीचर वापस मेरे से प्रश्न नहीं पूछ ले, बच्चों को डर बैठ जाएगा। तो आपको कि सर यहां पर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर क्या करेगा, उस बच्चे से प्रश्न पूछेगा। जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्लियर, ये अपने हो गए प्रश्नोत्तरी पूरी, आराम से इसको रिवाइज करना, ठीक है, साथ में जितनी हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जितनी हो सके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप आराम से, ठीक है ना। दिन आपके कम बचे, आज आज हो गई 7 तारीख हो गई, ठीक है, परसों आपके 9 को पीटीटी का है, 30 को आपके वापस इसका एग्जाम है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप उसको आराम से इसको रिवाइज करके आराम से इसकी तैयारी करो आप, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक आपके, है ना, ठीक है।